जो बोली है वही इतना काफी है। सर मैं बता रही हूँ, मेरे घर में मेरे भैया अभी लास्ट ईयर जो है बीता, उसी ईयर में उन्होंने सरकारी जॉब पाई है और मेरे भैया की खुद शादी हो रही है बिना दहेज की। और वो भी लड़की, यानी कि बहुत लोग मतलब अमीर घर के नहीं है, एक गरीब घर से नॉर्मल घर से शादी हो रही है और बिना दहेज की। तो हम ये कहते हैं अगर कोई अमीर है तो उसको दहेज लेने की जरूरत ही क्या है, अगर मतलब खुद से आप नहीं, आपके पास पैसे हैं तो आप दहेज लेके थोड़े पा सकते हैं। जी नहीं, अगर लड़की की इसमें राय हो कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर लड़की को दिक्कत हुई कि नहीं ऐसा नहीं लेना चाहिए हमें, तो हम नहीं लेना है, मतलब नहीं लेंगे उसको, क्योंकि लड़कियां भी अब डिमांड करती हैं, आप देख लीजिए खुद। हाँ देखिए, गलती दोनों तरफ नहीं होती है, लड़कियों की भी गलती होती है। लड़कियां क्या होता है, मुझे फ्रिज चाहिए तो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए तो चाहिए, और मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लड़कियां भी डिमांडिंग होती हैं, नहीं कि लड़कियों की गलती नहीं होती है। हालांकि अगर लड़की बोले कि नहीं मेरे मतलब नहीं है, मेरे माँ मतलब मेरे पापा के पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम पैसे दें, तो नहीं लेना चाहिए, वही बात है। तो जी जी बिल्कुल, समीक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद।